हेलो एवरीवन, एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिब्रेलिंस, या फिर आप इसे जिब्रेलिक एसिड भी कह सकते हैं, एंड दिस इज अगेन अ सेकेंड फाइटो हार्मोन। इससे पहले हम ऑलरेडी ऑक्सिन के बारे में बात कर चुके हैं, देन वी आर स्टार्टिंग विद द जिब्रेलिंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जिब्रेलिंस के बारे में, तो जिब्रेलिंस का मेन काम क्या होता है, ठीक है? तो इसका मेन काम देखा जाता है, सबसे मेन एक जो फोकस एरिया होता है जहाँ पर हम आप कह सकते हो कि मेन फंक्शंस की कहें, जैसे कि हमने ऑक्सिन के बारे में पढ़ा था कि एपिकल डोमिनेंस करवाता है, ठीक है? तो सिमिलरली जिब्रेलिंस का एक बहुत ही मेन फंक्शन होता है, एक तो होता है स्टेम का इलोंगेशन करवाना, ओके, एंड नेक्स्ट इसका काम होता है सीड का जर्मिनेशन करवाना। ये दो फंक्शन आपको कभी नहीं भूलने हैं, सीड जर्मिनेशन, ये दो फंक्शन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखने को ये मिलता है कि जिब्रेलिंस एक्चुअल में दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं एक्टिव, एक होते हैं इनएक्टिव। मेनली अगर हम बात करें प्लांट में कौन सा फॉर्म काम करता है, तो वेरी ऑब्वियस एक्टिव फॉर्म को काम करना चाहिए। तो ये जो एक्टिव फॉर्म होता है ये मेनली 19 कार्बन का होता है, और जो इनएक्टिव फॉर्म होता है उसे हम मेनली 20 कार्बन का मानते हैं। तो 19 फॉर्म को जनरल बेसिस पे बायोलॉजिकली एक्टिव जिब्रेलिंस कहा जाता है, और इनएक्टिव एंड एक्टिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दैट इज स्ट्रक्चर का, दैट इज योर 19 कार्बन के जो जिब्रेलिंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, 20 वालों का अलग होता है। ये अभी तक का लार्जेस्ट नोन क्लास पाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जिब्रेलिंस आते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो जिब्रेलिंस का स्ट्रक्चर मेनली होता है टेट्रासाइक्लिक डाइटारपिनोइड एसिड होता है, ठीक है? डाइटारपिनोइड्स का मतलब हो गया कि जो टारपिन से बना हो। टारपिन एक प्लांट का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है, जो कि डिफेंस रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। तो डाइटारपिनोइड एसिड कहलाता है जिब्रेलिंस, एज वेल एज इसका सिंथेसिस टारपिनोइड पाथवे से होता है, जिसे हम मेनली बोलते हैं आइसोपिनोइड पाथवे भी, IPP, ठीक है? ये IPP जो है, दैट इज 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और ये IPP इट यूज टू एक्ट लाइक अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द जिब्रेलिन सिंथेसिस, एंड दैट इज वाई इसको हम टारपिनोइड पाथवे कहते हैं, क्योंकि ये IPP क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ टारपिन ओनली, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। इसे हम मेनली दैट इज इस बेसिस पे डेजिग्नेट करते हैं कि इसे हम टारपिन के क्लास में लेते हैं, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं टारपिनोइड पाथवे। और अगर हम बात करें कौन कौन से ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोसॉल में मेनली दैट इज जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस देखा जाता है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल बेसिस पे कहें, तो जिब्रेलिंस एक्चुअल में डाईहाइड्रोक्सीलेटेड जिब्रेलिंस होते हैं, मतलब कि इनके पास दो OH ग्रुप होगा, डाईहाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप, डाई यानी दो, राइट? तो उनके पास दो OH आपको, दो OH ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोक्सीलेशन का एक्चुअल में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है GA को, या फिर जिब्रेलिंस को बायो एक्टिव जिब्रेलिंस बनाने में। देखा यह गया है कि जो जिब्रेलिंस बायो एक्टिव मानी जाती हैं, उनके C3 यानी कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 13 पे दैट इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन रहता है, और वो एक पहचान होता है दैट इज एक्टिवनेस का। इतने ही नहीं, COOH ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ पे कंबाइन होता है, वो एरिया भी इस बात को डिसाइड करता है कि ये जिब्रेलिंस बायो एक्टिव है या इनएक्टिव है। GA1 एंड GA4 ये बायो एक्टिव जिब्रेलिंस माने जाते हैं। इतना ही नहीं, इनका जो प्रीकर्सर होता है दैट इज GA4 एंड GA1 का, दैट इज प्रीकर्सर या फिर इनसे बनने वाला प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है कि वो इनएक्टिव जिब्रेलिंस बने, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि एक्स मॉलिक्यूल से GA1 बना, तो GA1 तो एक्टिव है, राइट? लेकिन जिससे ये बना है, हो सकता है ये इनएक्टिव वाला फॉर्म था, और ये भी हो सकता है कि GA1 के बाद जो बने वो भी इनएक्टिव बने, होने को ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो वही बोला है कि प्रीकर्सर मॉलिक्यूल या फिर इसका प्रोडक्ट जो है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये अगर खुद एक्टिव जिब्रेलिन है तो ये प्रोडक्ट या फिर इसका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल भी एक्टिव होना चाहिए। ये इनएक्टिव भी हो सकते हैं, यानी इनके प्रीकर्सर मॉलिक्यूल या इनका प्रोडक्ट दोनों इनएक्टिव भी हो सकता है, फाइन? तो यही बोला गया कि GA1 एंड GA4 आर दे यूज टू एक्ट लाइक अ बायो एक्टिव जिब्रेलिन, जो कि प्लांट में मेनली फंक्शन करेंगे। और फंक्शनैलिटी के मामले में अगर देखा जाए, तो ऑब्वियसली GA1, GA4 या फिर आप कह सकते हो सारे के सारे बायो एक्टिव जिब्रेलिंस मेनली एक्शन में रहेंगे।
तो बात आती है, क्या सिर्फ दो ही बायो एक्टिव जिबरेलिन्स है? सो द आंसर इज नो। टोटल यहाँ पे आपको चार देखने को मिलेगा, दैट इज GA1, ठीक है, GA1 3 4 7। ये चारों के चारों, दैट इज 1347 इज अ कोड, ठीक है, 1347 इज अ कोड। ये चारों के चारों जिबरेलिन्स, दे आर रिगार्डेड एज अ बायोलॉजिकली एक्टिव जिबरेलिन्स। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात, जैसे मैंने बताया, एक्टिव जो जिब्रेलिन्स होंगे उनके पास कितने कार्बन का कंपाउंड होगा, ये C19 का, टोटल 19 कार्बन इनके पास होगा। इसके अलावा हमने कहा था कि C3 पोजीशन पर, C3 पे एंड C13 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, राइट। इसके अलावा अगर हम कहें तो C7 पे COOH ग्रुप अटैच होगा। अगर किसी जिबरेलिन्स में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, सो दिस इज अ क्राइटेरिया फॉर द एक्टिवनेस, एक्टिव जीए वो कहा जाएगा, ठीक है। और इनका मेन काम होता है सीड जर्मिनेशन करवाना, एज वेल एज सेल का इलॉन्गेशन, एज वेल एज स्टेम का इलॉन्गेशन करवाना। अब अगर हम बायोसिंथेसिस की बात करें, तो इसका बायोसिंथेसिस पाथवे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट लेट्स सी कितना हम इसको डील कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल सी बात करें तो जिबरेलिन का सिंथेसिस कहाँ कहाँ हो सकता है? डेवलपिंग सीड्स में हो सकता है, क्योंकि सीड को जर्मिनेट होना है, दैट इज जर्मिनेटिंग सीड्स में, डेवलपिंग लीव्स में एंड इलोंगेटिंग इंटरनोड्स में। इंटरनोड्स क्या होते हैं? प्लांट रहा, ये रहा प्लांट, ठीक है, मान लीजिए ये वाले एरिया से लीफ आया है, ठीक है, फिर ये वाले एरिया से लीफ आया है, तो ये जो इतना एरिया होता है ना, ये जो दो बीच में आपको गैप दिख रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड द इंटरनोड, फाइन। तो देखने को मिलता है कि इंटरनोड जो होता है ये रहा, तो इंटरनोड की इलॉन्गेशन में जिब्रेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। जिब्रेन्स को सिंथेसाइज करने के लिए हम क्या कहते हैं कि टार्पिनॉइड पाथवे लगता है यहाँ पे, राइट, इट इज अ टार्पिनॉइड पाथवे, ठीक है, टार्पिनॉइड पाथवे, ठीक है। और जिब्रेलिन एक डाइटार्पिन है। आई थिंक ये सारे टर्म्स आप और बेटर ढंग से तब समझ पाओगे जब हम प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट डील कर लेंगे। तो डाइटार्पिन का मतलब क्या होता है? डाइटार्पिन का मतलब होता है जिसके पास कितने हो, दैट इज 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो। जो कंपाउंड के पास IPP ग्रुप होता है, या फिर आप बोल सकते हो IPP यूनिट होता है, और वो यूनिट लगभग 20 कार्बन का होता है, तो हम उसे डाइटार्पिन कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन ऑफ अ डाइटार्पिन इंट कॉरिन, इंट कॉरिन नाम का 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से हम इसको डाइटार्पिन कहते हैं। इसका जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है जीए में, दैट इज जिब्रेलिक एसिड में। प्रीकर्सर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो इसका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है आइसोपिनॉइड यूनिट, दैट इज IPP। IPP होता है 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो बायोसिंथेसिस में बहुत से स्टेजेस से मेजर तरीके से तीन स्टेजेस देखे जाते हैं, जिसको कि हम डिवाइड करते हैं, और ये स्टेज प्लास्टिड, ईआर एंड साइटोसॉल में देखा जाता है। अब इसी के बेसिस पे हमने क्या किया है, दैट इज इनहिबिटर्स को डिवाइड कर दिया है कि स्टेज वन में कौन सा इनहिबिटर यूज होगा, स्टेज टू में कौन सा होगा एंड स्टेज थ्री में कौन सा होगा। देयर इज अ हाईएस्ट चांसेस कि इस बार शायद गेट यहाँ से क्वेश्चन दे दे आपको, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज पिछली बार बहुत से इनहिबिटर पे क्वेश्चन आया था, इस बार ये वाला एरिया हो सकता है, बिकॉज ये आपके लेटेस्ट एडिशन में ऐड किया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो अगर जीए के इनहिबिटर के बारे में हम बात करें, तो इनहिबिटर हमें तभी समझ में आएंगे जब हम पहले बायोसिंथेसिस पाथवे पढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले बायोसिंथेसिस पाथवे पढ़ते हैं, फिर वापस से स्लाइड पर लौट के आएंगे। ओके, सो दिस इज अ बायोसिंथेसिस पाथवे। जहाँ पे फोकस करना है वहीं पे बस आप जो है फोकस कीजिएगा, और एडिशनल चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या कहा गया, हमने कहा IPP जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सबसे पहले कहाँ पे आता है, प्लास्टिड में आता है। अब ये IPP किसी भी इंटरमीडिएट पाथवे से आ सकता है, चाहे वो पायरुवेट हो, चाहे वो ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हो। IPP आया, फिर ये GGPP में चेंज हुआ। व्हाट इज GGPP? दैट इज जिरेनाइल जिरेनाइल पाइरोफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट, जो कि क्या होता है, जो कि 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसके बाद ये कुछ एंजाइम्स की हेल्प लेता है, जैसे कि हो गया CPS एंजाइम एंड KS एंजाइम। यहाँ पे मैंने सबका आपके सामने दैट इज फुल फॉर्म लिख दिया है। इस एंजाइम्स पे आप फोकस ना भी करें तो भी थोड़ा बहुत जो है वो चल जाएगा। तो CPS एंड KS एंजाइम की हेल्प से इट यूज टू कन्वर्ट इन टू द इंट कॉरिन, और आपको पता है इंट कॉरिन भी कितना है, 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है।
इसके बाद इस इंट कॉरिन का ऑक्सीडेशन किया जाता है ये दो एंजाइम्स की प्रेजेंस में, के ओ एंड के ए ओ। तो इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाने के बाद देखने को ये मिलता है कि इसका कन्वर्जन हो जाता है जी ए 12 LD में, और ये कन्वर्जन ER के अंदर होता है। तो जी ए 12 जो है दैट इज़ एल डी हाइड, जी ए 12 LD जो है ER के अंदर अब आ चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, जी ए 12 का यहाँ पे दो रूट होता है, पहला रूट ये ठीक है एंड दूसरा रूट ये। या तो जी ए 12 डायरेक्टली क्या करेगा, ER को छोड़कर चला आएगा कहाँ पे, साइटोसॉल के अंदर। साइटोसॉल में जी ए 12 आएगा, इसके बाद इसका सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ जी ए 20 ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडेशन के बाद ये जी ए 9 में चेंज होगा, जी ए 9 से वापस से इसको ऑक्सीडाइज करके जी ए 4 में चेंज किया जाएगा जो कि होता है बायो एक्टिव जिबलिन्स। बायो एक्टिव जिबलिन्स अपना नॉर्मल एक्शन करेंगे जो इनको करना चाहिए, एक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे फिर से इनएक्टिव जिबलिन्स में। तो फिर से इनको जी ए 2 ऑक्सीडेज एंजाइम जो है जी ए 4 को कन्वर्ट कर देगा जी ए 34 में, ठीक है जी ए 34 में कर देगा। अब जी ए 34 में कन्वर्ट करने के बाद दिस इज अ इनएक्टिव जी ए, ठीक है इट इज अ इनएक्टिव जिबलिन्स। तो देखने को क्या मिला कि ये था एक्टिव जिबलिन्स एंड ये रहा इनएक्टिव। तो देखिए 9 जो है दैट इज 13, हमने क्या बात की थी कि 1347 इट इज अ बायो एक्टिव जिबलिन्स। तो देखिए जी ए 9 इनएक्टिव है, जी ए 34 भी इनएक्टिव है। तो वही तो बात मैंने कही थी आपसे कि एक्टिव जिबलिन्स का प्रीकर्सर ये हो ही सकता है कि वो इन दैट इज इनएक्टिव हो, एज वेल एज उसका बाई प्रोडक्ट भी हो सकता है कि इनएक्टिव हो, जैसे कि हो गया ये। फाइन, तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये कैसे काम कर रहा है। तो एक्शन के मामले में जी ए 4 जो है मेनली एक्शन करेगा और ये इनएक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। याद यहाँ पे ये रखना है आपको कि इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है वो होता है जी ए 2 ऑक्सीडेज। मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ, इस एरिया को आपको मिस नहीं करना है कुछ भी कर, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। जी ए 2 ऑक्सीडेज क्या करवाता है, इनएक्टिव जिबलिन्स का सिंथेसिस करवाता है। तो एक्टिव जिबलिन्स का सिंथेसिस कौन करवाते हैं, जी ए 20 ऑक्सीडेज एंड जी ए 3 ऑक्सीडेज, ये दोनों एक्टिव जिबलिन्स का सिंथेसिस करवाते हैं, यानी C19 कार्बन वाले जिबलिन्स का सिंथेसिस करवाते हैं एंड जी ए 2 ऑक्सीडेज जो है इनएक्टिव का दैट इज सिंथेसिस करवाते हैं। और ये जिस पाथवे को इसने यूज किया है उस पाथवे का नाम है दैट इज द वेट, इस पाथवे का नाम है नॉन 13 हाइड्रोक्सीलेशन पाथवे। फाइन, नेक्स्ट ये तो रहा पहला ऑप्शन कि जी ए 12 बना और पहले पाथवे में एंटर कर गया। सेकेंड पाथवे देखते हैं, सेकेंड पाथवे में आने के लिए क्या किया जाता है, जी ए 12 के कार्बन नंबर 13 पे हाइड्रोक्सीलेशन यानी OH ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है। इसको करवाने के लिए जो एंजाइम हेल्प करता है उसका नाम है जी ए 13 ऑक्सीडेज। ये क्या करता है, जी ए 12 को कन्वर्ट कर देता है जी ए 53 में। अब ये जी ए 53 है ये वापस से फिर साइटोसॉल में आएगा, साइटोसॉल से ऑक्सीडेशन के थ्रू जी ए 20 में कन्वर्ट होगा। इस पाथवे को हम कहेंगे 13 हाइड्रोक्सीलेशन पाथवे। जी ए 20 के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा जी ए 1 में जो कि बायो एक्टिव जिबलिन्स है एंड जी ए 1 फिर जी ए 8 में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि होता है इनएक्टिव जिबलिन्स। ये जब कन्वर्जन होता है तो इन कन्वर्जन का कुछ लाइक नाम भी दिया जाता है, जैसे कि जी ए 20 से जी ए 1 में कन्वर्ट होना या जी ए 9 से जी ए 4 में कन्वर्ट होना, इसको कहा जाता है 3-beta हाइड्रोक्सीलेशन। या फिर आप कह सकते हो कि जी ए 4 का जी ए 34 में या जी ए 1 का जी ए 8 में कन्वर्ट होना, ये होता है हाइड्रोक्सीलेशन ऑन द सेकेंड पोजिशन। क्योंकि नाम देखिए ना, 2 किस लिए है, क्योंकि सेकेंड पोजिशन पे ये अपना एक्शन दिखाएगा, और इसका नाम 3 है बिकॉज ये थर्ड पोजिशन पे अपना एक्शन दिखाएगा। तो इस ढंग से हमने देखा कि बायो एक्टिव जिबलिन्स कैसे बने और बायो एक्टिव से इनएक्टिव जिबलिन्स भी कैसे बन गए। तो आपको जो यहाँ पे ध्यान देने वाला एरिया है वो है, सबसे पहला मैं आपको बता देती हूँ, रुकिए कलर थोड़ा सा अलग लिया जाए ताकि आपको समझ में आए, एक तो ये वाला एरिया ठीक है कि किससे बना ये। फाइन, और ऑर्गन कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज प्लास्टिड, ER एंड साइटोसॉल। नेक्स्ट ये वाले एरिया में हो सकता है कि कौन सा टाइप ऑफ जिब्रेलिक एसिड साइटोसॉल में आता है पहली बार, ठीक है तो ये होगा जी ए 12 एंड जी ए 53। इसके बाद ये कि कौन सा एंजाइम एक्टिव जिब्रेलिन्स में हेल्प करता है एंड कौन सा एंजाइम इनएक्टिव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्टेजेस की, तो देखिए ये जो स्टेज है जो कि प्लास्टिड में चल रहा है ये स्टेज 1 कहलाता है। इसके बाद ये वाला जो स्टेज है जो यहाँ पे काम कर रहा है दैट इज अ स्टेज 2,
यानी ये जो एंजाइम्स यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं दैट इज व्हाट दिस स्टेज टू। और इसके बाद जो ये स्टेज है यहाँ पे दैट इज GA3 ऑक्सीडेज जो काम कर रहा है मेनली साइटोसोलिक एरिया में जितने भी एक्शन हो रहे हैं वो उसे हम कहते हैं स्टेज 3। तो स्टेज 1 का लेना देना जो है दैट इज प्लास्टिड से है, स्टेज 3 का साइटोसॉल से, एंड स्टेज 2 का जो है ER एज वेल एज आप कह सकते हो साइटोसॉलिक एरिया दोनों से है। तो ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है। अगर हम उसके बाद देखें कि अब इनहिबिटर को पढ़े तो समझ में आएगा। एक जनरल बेसिस पे इनहिबिटर कहें कि GA को इनहिबिट करने वाले कौन कौन होते हैं, तो नाम है फॉस्फोन डी, AMO1618, साइकोसिल दैट इज CCC, एंड पैक्लोब्यूटाजोल। ठीक है, तो ये कुछ जनरल नाम हो गया, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बेसिस पे कहें तब क्या होगा। तो प्लास्टिड के अंदर यानी पहला स्टेज का इनहिबिटर कौन कौन हो सकता है, AMO1618 हो सकता है, साइक्लोसिल हो सकता है, एंड फॉस्फोन डी हो सकता है। फाइन, नेक्स्ट अगर सेकेंड स्टेज की बात करें जो कि हम मेनली ER में फोकस कर रहे थे, राइट, इसका रिलेशन ER में फोकस हो रहा था, तो सॉरी ER की अगर हम बात करते हैं तो ER में दैट इज पैक्लो ब्यूटारोजोल जो है इनहिबिट करता है मेनली GA12 aldehyde को ये इनहिबिट करता है। एंड थर्ड स्टेज इनहिबिटर जो होते हैं जो कि साइटोसॉल में पाए जाते हैं, इसमें हो गया BX112 जो कि स्पेसिफिकली किसको इनहिबिट करता है, GA3 ऑक्सीडेज को करता है, जिसकी वजह से GA20 से GA1 का कन्वर्जन नहीं हो पाता, यानी एक्टिव जिबरेलिन्स नहीं बन पाते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस इनहिबिटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ केस स्टडी के बारे में, ठीक है। सो केस स्टडी में देखा गया कि एक्टिव जिब्रेलिन्स को बनाने के लिए दो एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जैसे अभी मैंने बताया आपको GA3 ऑक्सीडेज एंड GA20 ऑक्सीडेज। ठीक है, GA2 ऑक्सीडेज क्या करता है, इन एक्टिव जिब्रेलिन्स को बनाने में हेल्प करता है। यानी अगर हम कहें कि एक प्लांट बहुत ज़्यादा ड्रॉफिज्म फेस कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी हाइट छोटी हो गई है, तो शायद क्या हुआ है उसमें एक्टिव जिब्रेलिन्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब एक्टिव जिब्रेलिन्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है दैट मीन्स वॉट, कि बायो एक्टिव जिबलिन बनाने वाले एंजाइम यहाँ पे शायद एब्सेंट है, उनका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया है। तो अगर बायो एक्टिव जिबलिन बनाने वाले एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो ये हो गया दैट इज योर GA3 ऑक्सीडेज, एंड GA3 ऑक्सीडेज की बात कर सकते हैं हम, एंड GA20 ऑक्सीडेज, इनमें शायद लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, इसलिए एक प्लांट जो है उसकी हाइट छोटी हो जाती है। सेकेंड केस स्टडी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखा गया है कि IAA दैट इज योर ऑक्सिन, ये प्रमोट करता है किसका, GA1 बायोसिंथेसिस को। ठीक है, IAA आप कह सकते हो ऑक्सिन जो है जिब्रेलिक एसिड का दोस्त निकल गया, ये इसके बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ये GA3 ऑक्सीडेज को इन्हेंस करता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, और इस ढंग से GA1 के बायोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये कैसे हेल्प करता है, इसके अलावा ये GA दैट इज IAA इट इनहिबिट द GA1 ब्रेक डाउन बाई द रिप्रेशन ऑफ अ GA20 ऑक्सीडेज। तो इसके दो काम है, ठीक है, दो ढंग से जो है यहाँ पे ये काम कर रहा है ऑक्सिन। अगर IAA की बात करें तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है GA1 के बायोसिंथेसिस में, कैसे, दैट इज GA3 ऑक्सीडेज को इन्हांस करके। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है किस में, दैट इज GA2 ऑक्सीडेज को, जो कि क्या करते हैं, जो कि इनएक्टिव जिबलिन्स को बनाते हैं। तो क्या होगा, अगर IAA प्रेजेंट रहेगा तो GA का सिंथेसिस होगा, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में GA का सिंथेसिस होगा। जैसे कि GA अगर प्रेजेंट है तो सिंथेसिस देखने को मिलता है, तो GA20 से GA1 तक बनने वाला प्रोसेस जो होता है उसमें ऑक्सिन हेल्प करता है, क्योंकि GA20 इज अ इनएक्टिव, GA1 इज एक्टिव। अब इसके अलावा जब ये GA20 से GA29 में जाता है, GA1 से GA8 में जाता है जो कि बायो इनएक्टिव है, तो उसमें ऑक्सिन इनहिबिट कर रहा होता है। तो इस ढंग से हमने देख लिया कि केस स्टडी में ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। अगला बात करते हैं हम दैट इज जिब्रेलिक एसिड के बायोसिंथेसिस पाथवे के बारे में, सॉरी सिग्नलिंग के बारे में। तो वही चीज़ आती है कि सिग्नलिंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास रिसेप्टर चाहिए, लिगेंड चाहिए, इनहिबिटर चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए, ये चार चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, और हमें सिग्नलिंग का नाम भी चाहिए। तो इसको समझना बहुत आसान है, अगर आपको ऑक्सिन का सिग्नलिंग पाथवे समझ में आ गया तो बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता है ये। तो देखिए
यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है ये भी सॉलेबल रिसेप्टर होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, सरफेस पे प्रेजेंट नहीं रहता है। नाम है इसका GID1, लिगेंड का नाम है वेरी ऑब्वियस जिब्रेलिन, जिसे हम GA कहेंगे, जिब्रेलिक एसिड। इनहिबिटर का नाम है डेला, ठीक है। एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम है MYB प्रोटीन, या फिर GAMYB प्रोटीन, या फिर आप कह सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सिग्नलिंग पाथवे का नाम है 26 यूबिक्यूटिन 26 एस प्रोटियोजोमल सिस्टम। तो यहाँ पे भी कहानी यही होगी, कैसी कहानी, कि जिब्रेलिक एसिड आएगा, GID1 से बाइंड करेगा, इनकी बाइंडिंग क्या करेगी, दैट इज डेला का डिग्रेडेशन करवा देगी। डेला का अगर डिग्रेडेशन हो गया तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को आप कह सकते हो कि एक परमिशन मिल जाएगा ट्रांसक्रिप्शन करने का, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन देखा जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन से जीन आएगा, और वो जीन जो है जिब्रेलिक एसिड रिस्पॉन्स में हेल्प करेगा, दैट इज इन केस ऑफ अ प्लांट। तो वही वाली चीज़ है, ठीक है। GID1 का मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया है। डेला का जो है, डेला का नाम डेला क्यों है, क्योंकि ये DELLA, ये सबके सब जो है सिंगल लेटर अमाइनो एसिड कोड, लाइक सिंगल लेटर है अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है। दैट इज एस्पार्टेट ग्लूटामेट ल्यूसीन ल्यूसीन एंड एलानिन। ओके, अच्छा, तो इसको समझने से पहले ना एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, दैट इज जब एक सीड का जर्मिनेशन होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी बातें पता है सीड के बारे में, तो सीड के अंदर एक छोटू सा बेबी प्लांट भी होता है। मतलब सीड जो भी आज के टाइम में जो भी एक सीड इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब डोरमेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसके अंदर एक बेबी प्लांट भी होता है, जिसे हम मेनली एम्ब्रियो रिगार्ड कर सकते हैं। तो इस सीड को जर्मिनेट करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिब्रेलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है, यानी सम हाउ जिब्रेलिक एसिड इज डूइंग दैट इज द सिग्नलिंग पाथवे, राइट, सिग्नलिंग पाथवे करवा रहा है, एंड दैट इज वाई इसका जर्मिनेशन हो रहा है। तो जब हम जिब्रेलिन के सिग्नलिंग को पढ़ते हैं, तो हम इसी के, दैट इज ये जर्मिनेट कैसे हुआ, ये जो सीड है यहाँ पे ये जर्मिनेट कैसे हुआ, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। और उसमें कौन हेल्प कर रहा होता है, जीए हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो जरा सा देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन दे देती हूँ कि सीड दिखता कैसे है। सीड ऐसा दिखता है, अगर हम एक मतलब कि आप कह सकते हो कि डिटेल बेसिस पे देखें, तो एक सीड ऐसा दिखता है। तो ये रहा सीड, ठीक है। इसके अंदर जो है, इस वाले एरिया में दैट इज द एम्ब्रियो रहेगा, इधर वाले एरिया में एम्ब्रियो रहेगा, और ये है जीए। तो सीड के अंदर पहले जीए का सिंथेसिस होता है, इसके बाद क्या होता है, सीड के अंदर जीए का सिंथेसिस होने के बाद एक एंडोस्पर्म एरिया होता है सीड के अंदर। एंडोस्पर्म में उसने क्या किया, सारे खाने को स्टोर किया है, लेकिन वो जो खाना स्टोर है, यानी इसका जो फूड स्टोर है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। और जब एक सीड जर्मिनेट होता है तो उसको खाना चाहिए होता है, सीधी भाषा में कहें तो उसको जो है फूड की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसको मिलेगा कहाँ से, इसने जो स्टोर किया है उसी से मिलेगा। तो जिस फॉर्म में इसने स्टोर किया है, दैट इज मेनली स्टार्च के फॉर्म में ये खाने को स्टोर करता है। तो स्टार्च आपको पता होगा, स्टार्च जो है दैट इज स्टोर्ड फॉर्म है, यूटिलाइजिंग फॉर्म नहीं है, इस फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है खाने को। तो अब जरूरत पड़ती है कि स्टार्च को कोई ब्रेक करके दैट इज योर सिंपलेस्ट शुगर में चेंज कर दे, ताकि ये जो डेवलपिंग सीड है और सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो उसे गेन कर सके। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले सीड को वाटर दिया जाता है, जिसे हम मेनली इम्बिबिशन कहते हैं, जिससे कि सीड क्या कर लेता है, सीड वाटर को गेन कर लेता है। फाइन, क्यों गेन करता है, क्योंकि वाटर को जब गेन करेगा तभी जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है वो एक्टिव हो पाएगा, एक्टिव एम्ब्रियो, एंड आफ्टर दैट इट विल लीड टू दी जर्मिनेशन। क्योंकि क्या होगा, ये जब एक्टिव होगा, एंड देन आफ्टर दैट जो है दैट इज जीए का आप कह सकते हो दैट इज सिग्नलिंग देखा जाएगा, और इस जीए के सिग्नलिंग की वजह से फूड का मोबिलाइजेशन होगा। कैसे मोबिलाइजेशन होगा, ये एक एंजाइम को सिक्रीट करेगा जिसका नाम है दैट इज योर अल्फा, सॉरी अल्फा अमाइलेज। देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए, ये रहा एम्ब्रियो, इसने जीए को दैट इज स्क्यूटलम
एक एरिया होता है स्क्यूटलम से भेज देता है कहाँ पे, एंडोस्पर्म में। और यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है उसके पास एक लेयर होती है, लेयर का नाम क्या है, लेयर का नाम है एल्व्यूरॉन लेयर। ये जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है दैट इज द एल्व्यूरॉन लेयर। इस जीए को एल्व्यूरॉन लेयर में डिफ्यूज होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि एल्व्यूरॉन लेयर में एक एंजाइम का आप कह सकते हो कि फेट है, जिसको कि उसी एरिया में एल्व्यूरॉन लेयर में ही सिंथेसाइज करवाया जा सकता है। और उसी एंजाइम का नाम है दैट इज अल्फा अमाइलेज एंजाइम। अल्फा अमाइलेज एंजाइम क्या है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम एक्चुअल में स्टार्च को ब्रेक कर सकता है। तो सिर्फ अल्फा अमाइलेज ही नहीं, और भी बहुत से ऐसे एंजाइम्स का एक्टिवेशन होता है जो कि स्टार्च को ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए हम इसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कह रहे हैं। तो पहले जीए यहाँ पे जाएगा इस वाले एरिया में, यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे चलाएगा, और सिग्नलिंग पाथवे के बाद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनेंगे। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स दैट इज कहाँ आ जाएंगे, एंडोस्पर्म में चले आएंगे, जहाँ पे कौन स्टोर है, स्टार्च स्टोर है। स्टार्च को फिर छोटे छोटे पार्टिकल में यानी सिंपल शुगर में चेंज करेंगे। सिंपल शुगर में आने के बाद अब सिंपल शुगर तो सीड एब्जॉर्व कर सकता है, तो वापस से फिर सिंपल शुगर को भेजा जाएगा दैट इज एम्ब्रियो के पास, और एम्ब्रियो उस पर्टिकुलर दैट इज सिंपलेस्ट शुगर को यूटिलाइज करेगा और खुद को जर्मिनेट करेगा। तो ये हो गया एक रफ बेसिस पे कि ये काम कैसे कर रहा है। अब हमें इसका सिग्नलिंग पाथवे समझना है कि ये चलता कैसे। तो देखिए, ये रहा एक एल्व्यूरॉन सेल, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जूम किया गया है, यहाँ पे बहुत से सेल प्रेजेंट है दैट इज एल्व्यूरॉन सेल। मैंने एक को लेकर यहाँ पे जूम कर दिया, सॉरी, एक को लेकर मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए जीए सिंथेसाइज हुआ, ये एल्व्यूरॉन सेल है, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है सारा कुछ, ये न्यूक्लियस है। तो जीए सबसे पहले क्या करेगा, जीए सबसे पहले आएगा कहाँ पे, दैट इज न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये यहाँ पे एंटर कर गया, क्योंकि मुझे जो है, तो जीए यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, जीए यहाँ पे प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं आप, जीए जो है ये अंदर आ गया यहाँ पर, कहाँ पे, दैट इज सेल के अंदर, डिफ्यूज होकर एल्व्यूरॉन सेल के अंदर आ गया। सेल के अंदर आने के बाद आप देखिए इधर से ये आ गया अंदर, दैट इज न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि जो रिसेप्टर है जीए का वो है सॉलेबल रिसेप्टर, और वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो ये जीए आएगा और जीआईडी वन से बाइंड कर जाएगा, जीआईडी वन रिसेप्टर है। जीआईडी वन क्या करेगा, इसी टाइम पे देखा जाता है कि यहाँ पे जो डीएनए सेगमेंट है जिसके पास GAMYB जीन है, ठीक है, इसके प्रमोटर एरिया को किसने इनहिबिट करके रखा है, डेला ने इनहिबिट करके रखा है। डेला के पास एक ग्रास डोमेन भी होता है, तो डेला के पास एक ग्रास डोमेन है, तो यहाँ पे जो है डेला ने मिलकर प्रमोटर को ब्लॉक करके रखा है। लेकिन जब यहाँ पे जीए आता है और जीआईडी वन से बाइंड करता है, तो जीआईडी वन डेला को जो है प्रमोटर एरिया से निकालकर बाहर लेकर चला जाता है। अभी भी सारा रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो येलो येलो कलर का आपको बाउंड्री दिख रहा है, ऑल दिस आर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है, दैट इज यूबीक्यूटिन, ये जो आपको एफ बॉक्स दिख रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ यूबीक्यूटिन पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ बॉक्स प्रोटीन्स चली आती हैं जो कि यूबीक्यूटिन टैग ऐड करवाएंगी एंड यूबीक्यूटिन प्रोटीन ऐड करवाएंगी। तो यूबीक्यूटिन प्रोटीन एक्चुअल में ग्रास डोमेन पे ऐड होता है जो कि डेला के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे यूबीक्यूटिन प्रोटीन ऐड हो गया डेला के, दैट इज ग्रास के ऊपर। अब आपको पता है कि अगर किसी प्रोटीन के ऊपर यूबीक्यूटिन टैग ऐड हो गए तो उसका डिग्रेडेशन होना पक्का है। तो क्या किया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे डेला को भेज दिया जाता है 26S प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन मशीनरी में, और इसका हो गया डिग्रेडेशन। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि भाई प्रमोटर को छोड़ दो, क्योंकि हमें जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराना है, बिकॉज जिब्रेलिक एसिड जो है न्यूक्लियस के अंदर आया है। तो हमने करवा दिया इसका डिग्रेडेशन, प्रमोटर हो गया फ्री। प्रमोटर फ्री होने के बाद GAMYB जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अभी जो GAMYB जीन होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग होता है, इसके बाद ये जीन है तो वेरी ऑब्वियस जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये mRNA में बदलेगा। अब mRNA से इसका प्रोटीन में बदलना जरूरी है, तो प्रोटीन में बदलता है तो आपको ये भी पता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर तो होता नहीं है, इसको फिर साइटोसॉल में जाना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से ये चला जाएगा साइटोसॉल में, तो ये आ गया साइटोसॉलिक एरिया। यहाँ पे GAMYB mRNA GAMYB प्रोटीन में चेंज होगा, और वो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा। तो जब ये प्रोटीन में बदलेगा तो प्रोटीन में बदलने के बाद ये वापस से एंटर करेगा न्यूक्लियस के अंदर,
आप सोचोगे क्यों दोबारा सेंटर कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये किसी ना किसी का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा यानी। तो ये एक्चुअल में किसका ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, ये अल्फा अमाइलेज जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ये वही जीन या ये वही एंजाइम है जो स्टार्च को ब्रेक करेगा। तो ये आता है, दैट इज GAMYB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर गियर नाम के एरिया में, रीजन में आकर बाइंड करता है, और यहाँ पे बाइंड करने के बाद अल्फा अमाइलेज जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये न्यूक्लियस के बाहर निकलता है, प्रोटीन में बदलता है, और वो प्रोटीन एंजाइमेटिक होता है, एंजाइम नेचर होता है उसका, और उसके बाद उसको गोल्जी के पाथवे से भेज दिया जाता है कहाँ पे, दैट इज़ अल्फा अमाइलेज को रिलीज कर दिया जाता है, दैट इज एंडोस्पर्म में, और एंडोस्पर्म में वहाँ पे वो स्टार्च को ब्रेक करके स्मॉल शुगर में चेंज करता है, और वो स्मॉल शुगर फिर एमडीओ यूज करता है अपने जर्मिनेशन के लिए। तो इस ढंग से हमने क्या देखा कि सीड का जर्मिनेशन कैसे हुआ, इस पाथवे के थ्रू सारा सारा कुछ रेगुलेट होता है। इतने ही नहीं, जब जीए एंटर करता है तो ये तो जो मैंने आपको समझाया वो एक लॉन्ग पाथवे, इसके अलावा ये एक सीए डिपेंडेंट पाथवे को भी इंड्यूस करता है। उस पाथवे में बहुत से जो है, दैट इज कैल्मोड्यूलिन यानी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, प्रोटीन काइनेजेस इन्वॉल्व है। तो ये पाथवे आपको ज़्यादा कहीं दे के नहीं रखा है, बट ये मतलब ये लाइक आप कंसिडर करके चल सकते हैं कि जो कैल्शियम वाला पाथवे है वो भी समहाउ ऑटोमेटिकली, उसका भी लास्ट पाथवे यही होता है कि वो भी हेल्प करेगा, दैट इज डिफरेंट एंजाइम को सिंथेसिस करने में, एंड फाइनली अल्फा अमाइलेज का सिंथेसिस हो जाने के बाद वो एंटर कर जाएगा एंडोस्पर्म में, जहाँ पे स्टार्च स्टोर्ड है, उसको ब्रेक करके स्मॉल स्मॉल शुगर में बना देगा, स्मॉल शुगर में बनाने के बाद एम्ब्रियो उसको एब्जॉर्व करके खुद का डेवलपमेंट एज वेल एज जर्मिनेशन करवा देगा। यहाँ जो गियर लिखा हुआ है, गियर रीजन, इट इज एक्टिंग एज अ प्रमोटर एरिया, और ये गियर क्या है, दैट इज जिब्रेलिक एसिड रिस्पॉन्स एलिमेंट है, ठीक है, और ये एरिया प्रमोटर की तरह काम करता है किसके लिए, अल्फा अमाइलेज जीन के लिए। तो जो कहानी हमने यहाँ पे पढ़ी थी उसी को मैंने यहाँ पे आपको समझाया है इन द फॉर्म ऑफ अ दैट इज सिग्नलिंग पाथवे। तो एक बार इसको देखिए और एक बार उसको देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे फोकस कर रहे थे, सब कुछ यहाँ पे बना, सारा सिग्नलिंग यहाँ पे, ये जो सेल्स प्रेजेंट है उनमें चला, उसके बाद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कहाँ भेज दिया गया, एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म में दैट इज स्मॉल स्मॉल शुगर में चेंज कर दिया जाएगा, दैट इज स्टार्च को, और स्टार्च जो है स्टार्च स्मॉल स्मॉल शुगर में या सिंपल शुगर में चेंज होने के बाद वापस से स्क्यूटलम के थ्रू डिफ्यूज हो जाएगा, दैट इज एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो उसको यूटिलाइज करेगा और खुद का जर्मिनेशन करेगा, ठीक है। तो दैट इज वॉट मेंशन इन द लास्ट स्टेप, द एंडोस्पर्म सॉल्यूट आर अब्सॉर्ब बाय द स्क्यूटलम एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक इन नेक्स्ट क्लास वी कैन डील विद द फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन्स, बिकॉज वो भी थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो अभी तक जितना भी हमने पोर्शन पढ़ा है, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हों। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।